नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति अग्निहोत्री। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में। आगरा रोड स्थित नगला समन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर मामा की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं पर भांजे की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली देहात के आगरा रोड स्थित नगला समन निवासी राजेंद्र पुत्र नत्थू सिंह और भांजा इसह पुत्र मुन्ना लाल निवासी नसलपुर सुबह करीब 10:30 बजे दोनों मामा भांजे खेत से पानी लगाकर घर डीजल लेने आ रहे थे। जैसे ही गांव के पास हजार नहर के निकट घर जाने को रोड क्रॉस किया, वहीं सामने से तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें मामा राजेंद्र उम्र 20 की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 17 वर्षीय भांजा इसह की गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी परिजनों को राहगीरों ने दी। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण इकट्ठे हो गए और आगरा बरेली रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और जाम को खुलवाया और बारलेस पर वसुंधरा के निकट बस को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को आगरा रेफर कर दिया और मृतक राजेंद्र के शव को पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भेज दिया गया। दोनों बच्चा ट्रॉली लगाए थे, डीजल के घर को वापस आए थे पैदल पैदल। रोडवेज आई है, रोडवेज थी मार के भाग चले गए वसुंधरा पे आए गाड़ी पकड़ पाए। कोई कैजुअलिटी भी हुई है? कोई मतलब लोग आए देख लें भागे रोडवेज पकड़ लिए। कितने लोग थे? दो इसे राजेंद्र। मृत्यु भी हुई है किसी की? मृत राजेंद्र हुई है। ये आगरा रोड पर जा रहे के आगे एक रोडवेज बस से एक मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे जो है एक किसान जो डीजल लेने जा रहे थे एक किसान की मौके मृत्यु हुई और दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल आगरा भेज दिया गया है और मृतक को पंचनामा पोस्टमार्टम से कराया जा रहा है और रोडवेज बस जो है पावगढ़ थाने पकड़ गई है। कार्रवाई की जा रही है। एक बाइक सवार की अलीगढ़ रोड पर टक्कर होने से बाइक के दो टुकड़े हो गए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ से अपने गांव जा रहे थे, तभी अचानक अलीगढ़ रोड पर मैक्स गाड़ी से एक बाइक सवार जबरदस्त टक्कर होने से बाइक के दो टुकड़े हो गए, जिसमें रजनीकांत पुत्र सुरेंद्र सिंह व गजेंद्र पुत्र यशपाल सिंह के दोनों की हालत गंभीर रूप से घायल है। वह निवासी अलीगढ़ में जाऊ का है और वह दोनों अलीगढ़ से अपने गाँव जाऊ जा रहे थे और इन दोनों को अभी पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। चुनाव के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर विरोधी उन पर चुनाव में ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कल कहा था कि अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए, अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या यूपी में धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव होता है? चुनाव में ये पहला मौका है जब पीएम मोदी ने सीधे सीधे धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव का मुद्दा उठाया है। पीएम ने यूपी के फतेहपुर में कहा कि शासन का मंत्र भेदभाव नहीं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद चुनाव के मैदान में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। विरोधी पीएम पर चुनाव में वोट के लिए ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुस्लिम की बात करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में हार के डर से पीएम ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रहे हैं। वैसे ध्रुवीकरण का आरोप चुनाव में हर पार्टी पर लग रहा है। मायावती खुलेआम मुस्लिम समाज से वोट मांग चुकी है, वहीं अखिलेश मुस्लिम वोट पर अपना पहला हक बता रहे हैं। राजनीति के मैदान में आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि वाकई में यूपी में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव होता है? क्या यूपी के फतेहपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया था? यूपी में एक दूसरे पर वार पलटवार में नेता अपनी मर्यादा भी लांघ रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पीएम के हमले के बाद तिलमिलाई समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता ने विवादित बयान दे दिया। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकवादी कह दिया। पीएम के लिए आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग करने वाले राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता हैं। राजेंद्र चौधरी कल जब मीडिया के सामने आए तो बीजेपी पर तो खूब बरसे ही, इसी बीच वे मर्यादा की सीमा भी लांघ गए। वहां मौजूद पत्रकारों ने जब राजेंद्र से ये सवाल पूछा कि आखिर पीएम के लिए ऐसी भाषा क्यों, तो न सिर्फ वे अपनी बात पर अड़े रहे दलील भी देने लगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ये बयान बता रहा है कि चुनाव में एक दूसरे पर पल्ला भारी बताने के लिए नेता किसी सीमा को लांघने के लिए तैयार हैं।
हद तो तब हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाते जाते राजेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से पूछ लिया कि वो जो पीएम के लिए उन्होंने कहा है वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। इस बयान को लेकर भी सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव अपने गृह जनपद में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश के बीच लगी आग अभी ठंडी होती नहीं दिख रही है। अखिलेश यादव से पत्रकारों ने शिवपाल यादव को लेकर भी कई बार सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार शिवपाल का नाम नहीं लिया। शिवपाल को शुभकामना देने के सवाल पर अखिलेश ने कहा, मैं चाहता हूं एसपी के सभी उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते। जब अखिलेश से सीधा सवाल पूछा गया कि आप अपने चाचा का नाम नहीं ले रहे हैं, इस पर अखिलेश ने कहा, मैं समझता हूँ कि साइकिल चुनाव चिन्ह सबके लिए है। साइकिल जैसे पहले आगे बढ़ती रही है वैसे ही अभी भी आगे बढ़ेगी। अखिलेश ने कहा, आज शाम तक आधे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाएगा। पहले दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। भीतरघात की आशंका पर अखिलेश ने कहा, भीतरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि जनता ने बड़े पैमाने पर मन बनाया है। जब वोट ज्यादा पड़ता है तब इस चीजों पर कोई महत्व नहीं बनता। मुलायम सिंह के साथ न आने पर अखिलेश ने कहा, सैपई में जिनका वोट है सब वोट डालने आएंगे, मैंने अभी वोट डाला है। मायावती पर अखिलेश ने कहा, जिस तरह की भाषा और आचरण है उससे लगता है वो बहुत पीछे चली गई है। आज यूपी के 12 जिलों की जनता 69 सीटों के लिए मतदान कर रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए समाचार टाइम 24।